आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मिस्टर बबलू मिसा ब्लॉग पर फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने कामों में व्यस्त होंगे। सो फ्रेंड्स, आज मैं जा रही हूँ, तेज आने वाली है, तो आज उसका मेकअप ट्यूटोरियल, मतलब मैं कैसे मेकअप करती हूँ, तो आप सभी के साथ शेयर करूँगी। तो ब्लॉग में बने रहिएगा, मैं कैसे कैसे मेकअप कर रही हूँ। आज मैं कुछ हट के तैयार होंगी, तो इसलिए ब्लॉग में बने रहिएगा, एंजॉय करते रहिएगा, फुल सपोर्ट कीजिएगा फ्रेंड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं।
सो फ्रेंड्स, मेरा आधा मेकअप हो चुका है तो मैं चेंज करके आप सभी से मिलती हूँ। बने रहे, कहीं जाइएगा मैं, इंजॉय करते रहे, फटाफट चेंज करके अभी आप सभी से मिलते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं आई लाइनर कैसे लगाई हूँ और आई शेडो मैं ठीक लगाई हूँ। मेरा आई मेकअप कैसा है फ्रेंड्स, जरूर बताइएगा। अच्छा लग रहा है कि नहीं? मैं थोड़ा बहुत ठीक ठाक मेकअप कर लेती हूँ ना फ्रेंड्स, ज़्यादा नहीं, मतलब काम लायक कर ही लेती हूँ। सही बताइएगा फ्रेंड्स, मैं कैसी लग रही हूँ? ओके फ्रेंड्स, बने रहिए। सो फ्रेंड्स, ये मेरा फाइनल लुक, मैं कैसी लग रही हूँ प्लीज़ बताइए, झकास लग रही हूँ कि नहीं? तो आप सभी जो भी तीज का फास्ट रखता हो या रखेगा तो आप लोग ऐसे रेडी हो सकते हैं। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ, तो कैसी लग रही फ्रेंड्स ज़रूर बताइएगा। ये मैं बालों को कर्ली करी हूँ अपने दिमाग से, मतलब बालों को गीला करके, कोई भी पेंसिल हो उसे अटैच करके गोल गोल घुमा के चिमटी लगा देंगे तो 5 मिनट तक छोड़ देंगे, उसके बाद कर्ली हो जाता है। तो आप लोग भी बना सकते हैं। तो मैं ऐसे ही बनाई हूँ और ये देखिए, ये मेरे शादी का चुन्नी है, तो ये मैं सर पे रखी हूँ, तो मैं कैसी लग रही हूँ। फिर मैंने जूड़ा भी बनाई हूँ अपने से ही, एडजस्ट करके जैसा मुझे आता है, कोशिश कर रही हूँ। तो मैं कैसी लग रहा है मेरे ऊपर जूड़ा, आप सभी बताइएगा ठीक बनाई हूँ कि नहीं बनाई हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा जूड़ा भी बनाई हूँ, तो जो आ रहा है, तो इसलिए मैं शूट नहीं कर पाई, फटाफट तैयार हो गया, आप सभी के सामने आ गई। ये चूड़ी का कलेक्शन, मतलब कड़े को और थोड़ा बहुत चूड़ा था उसको मिक्स करके अपना दिमाग लगा कर बनाई हूँ। तो आपको कलेक्शन कैसा लग रहा है चूड़ी का, जरूर बताइएगा। लग रहा है ना चूड़ा है, लेकिन मैं मिक्स करके सबको अटैच करके बनाई हूँ। तो सो फ्रेंड्स, अच्छे अच्छे रील्स और शॉर्ट वीडियो आएंगे तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, पूरा वॉच कीजिएगा। अगर आप लोग जो भी जो तीज करता हो तो आप लोग ऐसे दुल्हन की तरह रेडी हो सकते हैं। मैं तीज नहीं करती हूँ, मैं हर साल हम लोग सोचते हैं लेकिन कुछ ना कुछ पड़ जाता है, कभी दिन अच्छा नहीं रहता तो कभी 2 मास पड़ जाता है तो कभी कुछ हो जाता है, इसलिए मैं अभी तक तीज नहीं उठा पाई हूँ। इस बार इतना अच्छा सोमवार पड़ा है तीज का, लेकिन नहीं उठा सकती, 2 मास पड़ा हुआ है। कोई नहीं, अगले साल फिर देखेंगे, अच्छा दिन पड़ेगा तो उठा लेंगे। तो वैसे करने का मेरे को बहुत शौक है, तो कोई नहीं, मैं ऐसे ही रेडी हो गई। कैसी लग रही हूँ इस साड़ी मेरे ऊपर, आपको कैसी लग रही है फ्रेंड्स प्लीज़ कमेंट में। और फ्रेंड्स, आप लोग ना सपोर्ट नहीं कर रहे, पता नहीं क्यों डाउन हो गया है, पता नहीं, इतनी मेहनत करते हैं फिर भी डाउन हो गया है, कोई देखता ही नहीं है, आगे पहुंच ही नहीं पा रहा है किसी के पास। इतनी मेहनत करके बनाते हैं फ्रेंड्स, अच्छी तीज का त्यौहार बहुत ही बड़ा त्यौहार है, यह हर औरत के लिए आता है, हर औरत इसे दुल्हन की तरह तैयार होके इसे मनाती हैं। तीज निर्जला किया जाता है सुबह से शाम तक, ताकि मतलब पति की उम्र लंबी हो सके, पति के लिए ही किया जाता है ये तीज व्रत। जो करता है उन्हें तो सब पता ही होगा, मम्मी जी करती है, मेरी ननद भी करती है, बस मुझे छोड़कर, मैं हर साल सोचती हूँ इस बार करूँगी, उठाऊँगी तो, लेकिन कुछ कुछ ना कुछ हो ही जाता है तो नहीं उठा पाती हूँ। तो आज मन कर रहा था कि मैं तैयार हूँ दुल्हन जैसे, तो आज मैं तैयार हुई हूँ। फ्रेंड्स, आप सभी को मैं कैसी लग रही हूँ बताइएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगर आप सभी को मेरा ये मेकअप अच्छा लगा हो,
जो भी थोड़ा बहुत भी, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, छोटे बड़े सभी से रिक्वेस्ट है, इतना मेहनत करें तो थोड़ा सपोर्ट तो मिलता ही है ना फ्रेंड्स। मैं कुछ शूट नहीं कर पाई बिल्कुल भी, मैं फटाफट बस रेडी हो गई क्योंकि अपने बेटे की वजह से। चलिए फ्रेंड्स, अगर आप सभी को मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन का जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। ओके फ्रेंड्स, हैप्पी तीज सभी का, तीज बहुत अच्छे से मने, बहुत ही अच्छे से मने। ओके बाय बाय, नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे।